मोदी जी जो राशन वोशन दे रहे हैं, राशन देता है, खा लेता हूँ, बीच में पकते ना गरीब लोग, बहुत काम करते हैं, गैस दे हैं, कितने महंगे का गरीब दुखिया भराई ना पाता, चूल्हा बारता। काम वोम हुआ है कि नहीं मोदी की सरकार में? अब जवान करता खुश है कि नहीं मोदी की सरकार? तो है ये भैया का दुखी है हम उनके बारे। हाँ रानी 5 साल से यहाँ से सांसद है, कुछ काम हुआ आप युवाओं के लिए? हमारे यहाँ चलिए देखिए, दिखाएं क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सड़क वैसे की वैसी है, रास्ता नहीं मिल रहा है, टोटी लगवा रहे हैं, अभी मेरे घर तक पहुँचा ही नहीं है, बताइए क्या हो रहा है। कुछ नान के हमारा सबका रोड देख लिया, ना नल का, ना कम्बल, ना रजाई, ना साड़ी, कुछ माने गरीबों के लिए कुछ कुछ नहीं। और छटपटा था हमारा, कहा गोरू पूरा चल लेता है, 5 किलो राशन देता, कहा देता मंदिर पे छुआछूत माना थी। हाँ। मंदिर पे अच्छा, छुआछूत। दलित महिलाएं हैं, दलित समाज से हैं। हम दलित समाज से हैं। हाँ। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, हम अमेठी में हैं। अमेठी की बात करें तो यहाँ से केएल शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं और स्मृति ईरानी भाजपा से प्रत्याशी हैं, यहाँ से सांसद भी रही हैं। इस बार हम देख रहे होंगे तमाम यहाँ हमारे पीछे महिलाएं हैं, एक ऑटो है, तो महिलाओं से जानते हैं कि इस बार अमेठी का क्या मूड है, अमेठी किसके साथ जा रहा है, कांग्रेस या भाजपा, और स्मृति ईरानी का कार्यकाल कैसा रहा, नरेंद्र मोदी का 10 साल का कैसा कार्यकाल रहा है। ये जो स्मृति ईरानी है दादी, आती हैं आप लोगों के बीच में, जो सांसद हैं नहीं सुनती हैं? अच्छा नहीं सुनती हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो स्मृति ईरानी सांसद आती हैं? जी आती हैं। काम वाम किया है? अभी तो कुछ नहीं किए हैं, अभी तो कुछ नहीं किए हैं। इस बार क्या माहौल है यहाँ का, किसके साथ यहाँ के लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस, जो केएल शर्मा है, या फिर जो है उनके स्मृति ईरानी भाजपा के साथ? राहुल गांधी भाजपा के साथ। और जो मोदी जी जो राशन वोशन दे रहे हैं? राशन देता है, खा लेता हूँ, बीच में पकते ना गरीब लोग, नहीं मिल रहा है। अच्छा तो ये बार कहाँ मूड रहा है, कहाँ इनका भाजपा फिर से कमल की पंजा जब रहा राहुल गांधी यहाँ रहे, कुछ काम कह रहे हैं? हाँ, करे रहे। हर चीज में महंगाई के यहाँ महंगाई है भैया। इस बार बदलाव? हाँ बदलाव है। दोबारा मोदी को मौका नहीं देना है? नहीं, मोदी को मौका नहीं, खेती नहीं देना है जी, नहीं खेती बाड़ी खा देता है, मिलता ही ना गोल चावल, 5 किलो राशन देता हूँ, 5 किलो में पेट भरे नहीं गुजारा हो रहा है, जब परिवारदार है उनका पेट नहीं भरेगा ना, नहीं गुजारा हो रहा है। इस बार बदलाव चाहते हैं अमेठी के लोग? हाँ बदलाव अमेठी को लोग बदलाव चाहते हैं, क्यों चाची? हाँ बदलाव। हाँ अच्छा अच्छा, जब राजीव गांधी जिनकी कांग्रेस जिनकी पार्टी काम हुआ था यहाँ, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग जब थे काम हुआ था? हाँ हुआ था, हुआ था। हाँ। तो इस बार बदलाव? हाँ बदलाव हुआ है राजीव गांधी। क्यों? मोदी बदलाव कहा गए चाची? मोदी के न देवो, मोदी के न देवो। हाँ काहे का? और का काहे नहीं देंगे, खेत बाड़ी चरा लेता, खाए बिना सब मरत बाटा है, और का तेल उकर दे, अंधियारे में रहा था, बिजली इतनी महंग कर दे यहाँ, तो क्या करे दिया उनका, बिजली महंगी है और का? हाँ। कहाँ मिले? वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं, गैस दे हैं यहाँ, कितने महंगे का गरीब दुखिया भराई ना पाता, चूल्हा बारता है, और का गरीब नहीं भरवा पा रहा, और का कहाँ से भरावे, जो पैसे न कहाँ भराओ, खेती गोरु खल चल लेता। स्मृति ईरानी है, आती है नहीं सांसद जो ना स्मृति ईरानी? हिया तो ना आई, वह वोट लिए के रहता है, कुछ काम वोम कह रहे हैं? काम नहीं कुछ नहीं, आप सब राम मंदिर बन गया, ओकरे नाम पे वोट मांगत है, वो ना वो कहत रही है अमेठी में आज गहना पहरे है, सोनौला पहरे है, तो का कमी है, आए कमान रुपया भर ले है कमरा। अच्छा ये भाजपा वाले कहते हैं, मोदी कहते हैं मंदिर बनवा दी, राम मंदिर अयोध्या में, ओकरे नाम पे वोट दे दा, वोट जा ही जे का देबे हमका, जहाँ जान पर वहीं दे दे। अमेठी कहाँ जाने के, अमेठी का क्या मूड है इस बार, क्या सोच रहे हैं, और भाजपा या कांग्रेस किसके साथ? हमको कोई नहीं सोचना है, हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, हम उसके बारे में सोचेंगे। हाँ तो किसके बारे में सोच रहे हैं इस बार? चाहे जो भी आया, हमारा काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए। हाँ। तो काम हुआ कि नहीं, कुछ 5 साल से स्मृति ईरानी है, कुछ काम हुआ कि नहीं? स्मृति ईरानी कोई भी काम नहीं किए हमारे, मोदी जी कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। हाँ। तो इस बार फिर मोदी जी को मौका देंगे बदलाव? अब कोई भी हो या बदलाव हो या चाहे जो भी आए, हमको सब ठीक है। चाहे जो, क्यों चाची? ये जो स्मृति ईरानी सांसद हैं आपकी, आती हैं आप लोगों के बीच में? हम
आवाते था ये भैया। तो कुछ काम वम हुआ है कि नहीं मोदी की सरकार में? अब जवान करता खुश है कि नहीं मोदी की सरकार? तो है ये भैया का दुखी है हम उनके बारे। हाँ खुश है। तो ये बार काम उड़ा है, का माहौल है, किकरे साथ है? और नहीं साथ में उड़ा है। चाची ये बताएं क्या माहौल है इस बार अमेठी का? अमेठी क्या सोच रही है? अमेठी सोच रही जो सोचा था वो हमें सब सोचा था ही। बदलाव चाहती है कि फिर से मोदी और ये स्मृति ईरानी के बारे में सोच रही है? नहीं बदलाव सर, बदलाव। हाँ बदलाव, कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं कुछ काम ना हुआ। 200 रुपये में दाल मिला था, कौन जाने की जो महंगाई है। हाँ महंगाई है। और ये बच्चों को नौकरियों को लेके, रोजगार को लेके? अबे कुछ ना भा, नौकरी करी बच्चे कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना। अच्छा युवा भी हैं, क्या युवा क्या सोच रहा है अमेठी का इस बार? युवा अच्छा कार्य हो चाहे जो आए सांसद, चाहे जो बने। स्मृति ईरानी 5 साल से यहाँ से सांसद हैं, कुछ काम हुआ आप युवाओं के लिए? हमारे यहाँ चलिए देखिए दिखाएं क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, सड़क वैसे की वैसी है, रास्ता नहीं मिल रहा है, टोटी लगवा रहे हैं, अबे मेरे घर तक पहुँचा ही नहीं है, बताइए क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। ये मोदी जी तो कह रहे हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, महंगाई आ गई है, बताइए एक लोगों के लिए 5 किलो दे रहे, 5 किलो में हो पाएगा, 1 महीने चल पाएगा, बताइए? नहीं चल पाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को देखिए राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए हम फ्री सिलेंडर दिए हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। सिलेंडर दिए हैं तो उसका पैसा नहीं लग रहा है, भरवाया नहीं जा रहा है, बताइए? महंगाई है। हाँ महंगाई है बहुत ज्यादा। और नौकरी को लेके, जो युवाओं को भविष्य को लेके, UPP का निकला था उसको लीक कर दिया गया, बताइए? 60 लाख लोग भरे थे, उसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसको लेके युवा में रोष है, ये इस मुद्दे को लेके जो बेरोजगारी का है और पेपर लीक का है? चाहे जो आए काम अच्छा होना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। मोदी जी का काम पसंद आया, स्मृति ईरानी काम पसंद आया कि नहीं 5 साल में? मेरे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, वही टोटी लग रहा है, वही दिखाई दे रहा है बस खाली। और कांग्रेस की तरफ से वादा किया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, पहले मैंने 30 लाख हम वो कह रहे हैं कि 30 लाख हम रोजगार देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे राहुल गांधी के। मोदी जी का भी देख लिए हैं और कांग्रेस जीतेगी उसका भी देख लेंगे। इस बार युवा क्या बदलाव चाहता है? बदलाव चाहता ही है, परिवर्तन, परिवर्तन हो जी। का हाल चाल है? ठीक है। अच्छा ये जो महंगाई वहंगाई बड़ा विपक्ष वाले चिल्ला रहे, बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या महंगाई है? अच्छा ये जो 5 साल से जो नहीं स्मृति ईरानी सांसद ने जानती है उनको? कुछ ना की, कुछ नहीं की। अरे तो कहा दिया हम 70 साल जुको माने कुछ नान के हमारा सबका रोड देख लिया, ना नलका ना कम्बल ना रजाई ना साड़ी, कुछ माने गरीबों के लिए कुछ ना। कुछ नहीं किया कुछ। तो इस बार मौका देंगे कि बदलाव चाहती हैं? इस बार मौका दोबारा देंगी स्मृति ईरानी को कि नहीं देंगी? अब भाई जहाँ जौन पल झा उठा देखा वो उठाओ। चलिए ठीक है, तो क्या देख रही है इस बार, क्या इन्होंने काम किया है कि नहीं स्मृति ईरानी? नहीं ना के हैं, कुछ काम नहीं हुआ। नहर में हमारे पानी भर लगत पटरी पे बने होते तो नहर से हरियल के जाए थे पानी में। वो तो कह रहे हैं हम 5 साल में इतना काम कह दिन 70 साल में सबके क्या होते तो कुछ नहीं दिखाते ना, सब दिखाई जाए कुछ नहीं किया। नहर देखा तो खड़ा है एकदम किनारे घर है, जो गरीब मने रच के जियत रहे ना, और छटपटा था हमारा तहा को और पूरा चर ले था, 5 किलो राशन दे था, का दे था? महंगाई है, महंगाई भी है, महंगाई बहुत ज्यादा कह दे है। मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है, ना चीनी भी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो कहा जाने गरीब मने कुछ पोते नहीं ना। तो इस बार फिर से मोदी को मौका, स्मृति ईरानी को मौका देने के मूड में है कि नहीं अमेठी? नहीं मौका नहीं देंगे, मौका नहीं, मौका कब मिलेगा जब पूरा काम करेंगे तब। और जो मंदिर बनवा दिए हैं मोदी जी, मंदिर से कुछ नहीं मतलब, मंदिर पे छुआ छूत माना थी। मंदिर पे छुआ छूत, दलित महिलाएं हैं, दलित समाज से हैं, हम दलित समाज से हैं। तो छुआ छूत ये लगता है कि मंदिर में छुआ छूत मानते हैं? बिल्कुल माना थे। तो मंदिर से आपको कोई लेना क्या के छोड़ के कहो आपके नहीं ना, छोड़ मने जाते मंदिर पे ठेल के बाहर का नहीं चला तो सब अछूत है। तो मंदिर से आप लोगों कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं, मुते जो किया जाए मंदिर, गरीब छटपटा रहे इतना गरीब मने जो कुछ पात रहे वो कुछ चला जाता है, गरीब मने छटपटा वहाँ का पावत है, 5 किलो राशन देते हैं, 1 महीना चलता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राशन मिट्टी तेल लाइट ना, मिट्टी तेल बिना अंधेरे में सब महिला खाती है, छोटा छोटा लड़कियाँ की बार आधी आबादी जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या सोच रहे हैं, बदलाव चाहती हैं कि फिर से मोदी को मौका देंगी स्मृति ईरानी को? बिजली बिल इतना बढ़ गया है, न कोनो लोन भी माफ है, न कुछ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोदी को वोट देंगी कि नहीं? कोनो चीज नहीं। इस बार मोदी जी को वोट देंगी कि नहीं देंगी? हमारा जिसका विचार होगा उसका वोट देंगे। अच्छा कोनो विचार ना, ना जब वोट आए तब वो का देखा जाएगा। लेकिन महंगाई बेरोजगारी ये सब है, महंगाई परेशान है, महंगाई है,
महंगाई है, महंगाई है। मोदी जी कहा था महंगाई हुआ कुछ ना है, फर्जी लोग खरीदे ना जाता है भैया, तू खरीद के लावा था, देखा तो खरीदता साग सब्जी नून तेल आप तो खरीद रहे हैं। अरे हम तो खरीद रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हमने सब कुछ सस्ता कर दिया। वोट आवा खोदना तब सस्ता कर चला, गैस भरा होता इतने में फिर ओकरी बात फिर बढ़ा दी है। हाँ गैस भरा दिए चला उनका आवत बात घट दे घटा दी बढ़ा दी कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। चलिए रुकिए चाचा आपसे बतिया लेते हैं, क्या माहौल है इस बार जो 10 साल का कार्यकाल रहा मोदी जी का कैसा रहा, और स्मृति ईरानी खासकर यहाँ अमेठी से? भैया स्मृति ईरानी के 5 काम आप बता दें, एक को काम अगर करें हो तो। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि हमने अमेठी का बाईपास बनवा दिया, हमने ओवर ब्रिज बनवा दिया जी, हमने जो है उसके बाद हमने वहाँ पे ये आपका जो बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, वो कह रही हैं शौचालय बनवा दिया, वो कह रही हैं आवास दिला दिया, वो कह रही हैं कि फ्री राशन मिल रहा है। सर ये जो प्रधानमंत्री योजना दिए हैं, पहले इंदिरा निवास था, त्रिपल आईटी टीकर माफी चली गई, संजय गांधी हॉस्पिटल में एक मृत्यु हो गई थी महिला की, जो कि बंद करवाना चाहती थी, वो बंद करवा दिया था तो कोर्ट के द्वारा आर्डर हुआ। त्रिपल आईटी के बाद जितने रोड हैं आप देखिए, स्टेशन वाला रोड आप घूमते होंगे, अमेठी चौराहे से आप स्टेशन वाला रोड देख लीजिए, अभी भी टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ये ग्राम प्रधान की योजना जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो योजना बता रहे हैं, ये पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, आजकल बाथरूम में भूसा भरा हुआ, आप जाके हर गांव में देख लीजिए। ये अग्निवीर लेके आए थे, हर गांव में कम से कम 20-25 लड़के ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, क्योंकि 5 साल जाते हैं पेपर लीक हो जा रहा है, तुरंत देखिए 3-3, 4-4 UPSC का पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सब परेशान हैं, महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पे है, 13 रुपया किलो शक्कर बोली स्मृति ईरानी देने के लिए, 13 मिली कि नहीं किसी किसको, आप ही पत्रकार हैं, मैं बोलूंगा नहीं मान्यवर नहीं, नारा हो जाएंगे जेल भिजवा देंगी वो। अच्छा डर यहाँ पे डर है जो तमाम इस चीज का कहता है, सबको धमका के ऐसा करती है ना, अगर कुछ बोल दिया तो तुरंत वो ED CBI नहीं पुलिस कुछ भेज देंगी, वो उनको तो काम ही खाली भेजना है। अच्छा है क्या और क्या, 13 रुपया किलो शक्कर बोली थी ना, बोली तो थी, और सिलेंडर 400 रुपये में किसी घर पे मिला क्या? उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिला है भाई साहब, वो किसी घर पे आज कोई भरा रहा है क्या? इलेक्शन आ गया, 2 रुपया कम मुद्दे हैं धरातल पे। सर बेरोजगारी है कि नहीं है, अग्निवीर में जो बता रहा हूँ हर गांव में जो सब आजकल दौड़ लगा रहे हैं। इस बार जो KL शर्मा आए हैं, लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी आते तो ज्यादा बेहतर, 40 हाँ सर आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्हीं के हनुमान तो आए हैं जो जीत जाएंगे, बिल्कुल सर भारी बहुमत से 4-5 लाख वोट से जीतेंगे जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए भैया बतिया लेते हैं, 10 बार इस बार क्या माहौल है अमेठी वालों का, ये जो इस बार राहुल गांधी के इधर KL शर्मा लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और दूसरा इधर से जो स्मृति ईरानी, तो किसका माहौल देख रहे हैं अमेठी में, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस का ज़्यादा है जी। अच्छा युवा हैं, युवाओं के यहाँ क्या मुद्दे हैं, मतलब जैसे आप युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे लिए कांग्रेस ही मुद्दा है। कांग्रेस को ही वोट देंगे जी। और भाजपा जो स्मृति ईरानी कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं, 5 साल में क्या काम किए हैं? कोई काम नहीं हुआ। की बार कांग्रेस सरकार, क्या कह रहे हैं? की बार कांग्रेस सरकार, सुन तो लीजिए। अरे रुको यार, कहे जा रहे हो बतिया रहे हो क्यों, कैसा रहा जो स्मृति ईरानी काम ठीक नहीं लगा क्या 5 साल? किसका स्मृति ईरानी का? कुछ नहीं ठीक था बिल्कुल। तो कह रही हमने बनवा दिया यहाँ बाईपास बनवा दिया, हमने यहाँ पे ओवर ब्रिज बनवा दिया अमेठी में। ओवर ब्रिज बाईपास बनवाने से क्या होता है? वो कह रही है जनता को देखिए, जनता को सबसे पहले यहाँ पर उनका दुख दर्द सुनिए। ये हम अमेठी में थे, अमेठी के लोगों के बीच में थे, एक चौराहा था, चौराहे पे तमाम ऑटो में महिलाएं बैठी थी, तो हमने कहा उनसे बात कर लेते हैं, लोगों के अपने मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर लोग मुखर हैं, लोग बदलाव भी चाहते हैं, लोगों का मानना है कि बदलाव होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहें, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। कैमरामैन अभिषेक के साथ बबलू यादव की रिपोर्ट, अमेठी।